चापाकल काचा कलवा नहीं, काचा कलवा नहीं, चापाकल, चापाकल बोलते हैं इसको बिहार में और झारखंड के अंदर। यही ना, ये भी ट्रेन हो, हाँ ये 6 फुट से ज़्यादा का है, 6 फुट से ज़्यादा। विग देख रहा हूँ अलग से लगा होगा, अरे बाप रे ये तो गंजी हो गई, पीछे से कैसी लग रही है। दोस्तों बहुत दिनों से मेरी ब्लॉग नहीं आ रही थी, 15 दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। उसका कारण था कुछ, मेरा छोटा भाई था वो एक्सपायर हो गया था, शायद हिना के पापा ने बता दिया होगा आपको, गंगा नहाने के लिए गया था दशहरे वाले दिन। तो मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं गाँव में ही थी और अब मैं आई थी 2-3 दिन पहले गाँव से। और हमने पहले आपको बताया था कि हमारे यहाँ कुछ प्रोग्राम था, पापा की एनिवर्सरी थी 24 जून की, तो वो भी पापा ने सबने कैंसिल कर दी थी क्योंकि अच्छा नहीं लगता है फिर कि मैं थी नहीं और पीछे ये सब ऐसे करके, तो पापा ने सब कैंसिल कर दिया था। तो मैंने आपको पहले दिखाया था कि हम साड़ी वगैरह लेके आए थे, तो 4 दीदी थी अपनी और 2 बुआजी, उनको तो हम दे देंगे, पापा ने बोला उनकी रख लेते हैं दे देंगे, और बात बाकी की 3-10-12 साड़ी उनका हम क्या करते। तो आज मैंने सोचा मौसम भी सही है और चलो वापस करके आते हैं, देखते हैं। साड़ी हम बहुत दूर से लेके आए थे मथुरा से और अपने बलदेव से नहीं ली थी हमने, तो उनको वापस करने के लिए जा रहे हैं, देखेंगे वापस करेंगे या नहीं करेंगे कुछ पता नहीं है। बहुत साड़ी हैं, 8-10 हैं, 10-12 हैं साड़ी, तो दे अगर वो पैसे नहीं देंगे तो कुछ बच्चों के लिए, कुछ अपने लिए और कुछ ये ना के पापा अपने लिए ले आएंगे। साड़ियों को तो मैं क्या करती हूँ इतना रखती, सब एक जैसी है, कलर अलग अलग हैं, डिजाइन सबकी एक जैसी है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं जलेसर, जो हमने सामान खरीदा था ना, हम तो मथुरा डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और एटा डिस्ट्रिक्ट से हमने खरीदा था ये सारा सामान। तो एटा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है जलेसर, जलेसर फेमस है दोस्तों पीतल के लिए, पीतल के लिए। तो जो राम मंदिर का निर्माण हुआ था तो वहाँ पर जो घंटा गया था वो भी जलेसर से ही गया था। तो चलिए मैं आपको वो छोटी मिनी पीतल नगरी बोलते हैं जलेसर को, वो भी दिखाऊँगा। और ये सारा सामान हमने ख़रीदा था वहाँ से, बहुत सारी साड़ियाँ हैं इसके, इस डिब्बों में भी भरी हुई हैं, तो कुछ ये देखिए ऐसे भी इसमें भी रखी हुई हैं। चलिए वहीं चलते हैं, वहाँ हमारी सबसे बड़ी बहन भी आएगी और जा कर के देखते हैं वो चेंज करता है या नहीं। आज कितने दिन हो गए नीति इनको? हाँ तकरीबन 1 महीना पहले, 1 महीना हो गया, तो देखते हैं। वो पैसे तो नहीं वापस करेगा, कुछ कपड़े वगैरह देख लेंगे। चलिए चलता ले करके आपको। देखिए दोस्तों कुत्ता जो नल है ना वहाँ पर, नल से पानी चलाते हैं तो इस गड्ढे में भर जाता है बेचारा, गर्मी का मौसम है ना, तो ये देखिए पानी पी भी रहा है और उसमें बैठे नहीं चल दिया कुत्ता, हाँ डॉगी है गया बेचारा। तो जलेसर हम पहुंच गए हैं, ये है जलेसर शहर, एंट्री हो गई है हमारी जलेसर में, मथुरा से आए हैं जलेसर हम। छोटे से शहर में इतना बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया है, ट्रक ने लगा दिया है, यही है वो दुकान, हाँ आगे शायद। इसी दुकान से ले गए थे और आ गए यही है दोस्तों, वो दुकान नहीं थी लेकिन उसी की है, वही नाम था लेकिन वो दूसरी दुकान है उसकी, यहाँ ये छोटी दुकान होगी, हम शोरूम से ही लेके आए थे बड़े वाले से। हाँ पीतल के घंटा मिलते हैं, जो देखिए पीतल के घंटे ही घंटे मिलेंगे इसमें जलेसर शहर में, जो अयोध्या के लिए घंटा गया था यहीं से गया था जलेसर से। हाँ देखिए चारों तरफ पीतल के घंटे ही घंटे मिलेंगे, बहुत बहुत बड़े बड़े होते हैं बहुत, वो तो बहुत ही बड़ा गया था। हाँ वो है देखो बड़ा, वो छोटे बड़े सब के मिलेंगे, यहाँ की पीतल बहुत अच्छी है, घंटा पीतल के जलेसर की मशहूर है। तो दुकान पे आ गए, यही वही दुकान है जिससे हम साड़ियाँ लेके गए थे, दुकान तो काफ़ी बड़ी है अच्छी भी है। चलो भैया बाय के हटाओ, ऐसे कैसे आ जाऊं निकल के, इधर पुतला है, बाय के हटा दो,
बस दुकान पर दोस्तों अच्छी साड़ियाँ मिलती हैं, काफ़ी अच्छी से अच्छी साड़ियाँ हैं। देख रहे कुछ चेंज करेंगे साड़ी वगैरह ले लेते हैं। दोस्तों इनके ऊपर भी है एक दुकान, ऊपर वाली पर चलते हैं पहले। ये भैया के पास में ये है, राधे राधे भैया। बस मैं ठीक ही हूँ, ठीक ही हूँ। जेंट्स वगैरह के भी मिलते हैं क्या? तो भी दीदी आई नहीं है साड़ी बदलने की, तो जब तक हम कपड़े देख लेते हैं बच्चों के लिए और उनके लिए कपड़े पसंद करते हैं। टाइम लगेगा आने में, दिखा दो भैया। देखिए दोस्तों नीतू की हाइट है बहुत लंबी है ना, कितनी है? 5'7" है ना। और इस देख पुतले के पास में खड़ी हो ना, ये इधर पुतला खड़ा हुआ है, इसकी हाइट देख कितनी है, ये 6 फुट से ज़्यादा का है, 6 फुट से ज़्यादा का। ये देखिए अरे शक्ल कैसी कर रखी है इसने, गुस्से में से लग रहा है ना, बाल भी ऊपर अलग से विग है। अरे विग लगा हुआ है, नहीं मैं विग देख रहा हूँ, अलग से लगा होगा। अरे बाप रे ये तो गंजी हो गई, पीछे से कैसी लग रही है, ले लगा देना पकड़ी लगा दे, कैसी लग रही है पीछे से, ये पुतले लगे रहते हैं ऐसे, है लंबाई का पुतला। पहले नीचे देखते हैं साड़ी हम, और ये देखिए नीतू ने जो साड़ी पहन रखी है ना, सेम इसी टाइप की एक साड़ी पहन के लेडीज़ बैठी हुई है। नीतू की साड़ी देख लो, और वो देखो पीछे एक सेम साड़ी, ये देखिए कलर कैसी है, दिखा आप दिखा, वैसे तो सही है, सही लग रहा है। वैसे वो जब भैया ब्लू ग्रीन, ये सही है, कलर भी सही है ना। और ये दो कलर है एक जैसी के, दो कलर है, कलर अलग सही है। ग्राहक बड़ा चालाक है, सही लग रही है। और एक कलर ये है, देख लो दोस्तों। मैंने अपने लिए ये कपड़े ले लिए, ये है टी शर्ट, हाँ लगी रहने दें, ये टी शर्ट है बताना कैसी लग रही है, और ये एक पैंट है जीन्स का ले लिया, रख लो चलो। दोस्तों ये है इनकी वाशिणी साड़ी सुहाग के नाम से, 3 मंजिला इनकी ये दुकान है। दोस्तों हमने साड़ी ले ली है, 5 साड़ी लिया, एक जोड़ी पैंट बुशर्ट का कपड़ा ले लिया है, बहुत अच्छी बढ़िया है, उन्होंने हमारी साड़ी बदल के और उनको दूसरी दुकान, एक महीने बाद में हमने बदली है, बहुत अच्छी दुकान है और बहुत अच्छी भैया है दोस्तों, काफ़ी हाँ। मैं एक बार इन भैया से आपकी दोस्तों बात कराता हूँ, ये एड्रेस बता देंगे यहाँ जलेसर का, राधे राधे भैया। भैया एक बार हमारे सब्सक्राइबरों को एड्रेस बता दो, अगर कोई यहाँ का लोकल आना चाहता है तो। ये हमारी दुकान है यहाँ पे नाला बाजार है, और बहुत अच्छी जलेसर में दुकान, बहुत बढ़िया है, आप आए। दुकान का नाम और बता दो। 5वीं साड़ी सुहाग का नाम है, और टाउन प्राइमरी स्कूल के सामने है, आप जलेसर में कभी आए तो देखें। दोस्तों एक बार जो इन्होंने जो एड्रेस बताया ना उस पर गौर करना, क्योंकि अभी जब मैं हम आए थे ना तो हमें एक और वासने दुकान मिली थी रास्ते में, हाँ तो उन्होंने, हमने बोला था कि वो तो 3 मंजिल की है वो दुकान, तब बोला कि आगे नाले पर है वो दुकान, तो चलिए बहुत अच्छा लगा। हाँ ये देखिए दोस्तों कल हिना बोल रही थी, लंबी लंबी नीचे से ऊपर तक है बिल्कुल जमीन। हाँ कल हिना बोल रही थी कि ये किसका पेड़ है, इतनी लंबी लंबी जड़ है, ये देखिए यहाँ तक आ रही है ना, ये आ गई ना पकड़, देखो वो देखो बिल्कुल ऊपर से नीचे है, हाँ वहाँ पर जमीन, मैं जूम करके दिखाता हूँ एक बार, बिल्कुल ऊपर से देखो, ये जड़ नीचे और ऊपर जॉइंट है, बिल्कुल जॉइंट है। चलो अंदर चल रहे हैं, अंदर पानी पी के भी लटक लियो तो टूटेगी ना, टूटेगी नहीं। चलो देखो ये एक है श्री मनकामेश्वर मंदिर बेरनी जलेसर, देखा हुआ है ना बेरनी जगह वहाँ पर है। बम भोले
जय हो। हाँ बंदर आ भी सकते हो, वो बैग ना ले जाए, बैग ले आऊं, पकड़ इस बैग को, पकड़ इस बैग को, पकड़ इस बैग को ले आऊं, कोई बंदर ले जाए, मैंने देखे थे अभी बंदर। चलो बंदर आ जाएंगे, बंदर बच्चे जा रहे हैं दर्शन करने। बेटा दर्शन करने जा रहे हो क्या? हाँ चलो कर लो। ये देखिए दोस्तों, ये है कुआ, कितना सुंदर है, बहुत पुराना कुआ होगा ये। पापा पानी नहीं, भैया पानी नहीं निकलता इसमें से। अच्छा बंद है, हम पानी खींचने आए। श्री माँ कालिका देवी, काली माँ का मंदिर है। जय हो काली माँ। देखिए दोस्तों, ये है काली माँ का मंदिर, हनुमान मंदिर, हनुमान जी का भी है मंदिर, साईं बाबा का भी मंदिर है। देखो जय श्री साईं बाबा, ओम श्री साईनाथ महाराज की जय। छोटी सी मूर्ति है, बहुत सुंदर है, मार्बल की। और ये एक शेरावाली माता की भी है यहाँ पर, और ये हनुमान बाबा की है। ये बजरंग वाली की मूर्ति है, और इस पर शटर लगा रखा है, फिलहाल बंद है ये कुआ। पानी भी है, पानी भी है, बहुत गहरा है तो बंद कर दिया वैसे। पानी दिख रहा है, पानी है, है पानी तो मीठा होगा भैया, पानी तो मीठा है। अच्छा अच्छा, यहाँ रास्ते में दोस्तों एक नल मिला है, थोड़ी सी आगे जा करके वहाँ पर, वो जो आप देख रहे हैं वो नहर है, नहर पर नल नहीं था, यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसमें पानी नहीं आ रहा है, नहर के किनारे। मैं चलाऊं पहले, निकाल, आ गया आ गया आ गया, आवाज आएगा, देखा मैं चलाऊं, बता ना कैसा मीठा है या ठंडा ठंडा। दोस्तों ये जो नीतू चला रही है ना, हमारे यहाँ इसको नल बोलते हैं, और बिहार में और झारखंड के अंदर इसको नहीं चापाकल, चापाकल काचा कलवा नहीं, काचा कलवा नहीं, झारखंड में और बिहार के अंदर इसको बोलते हैं चापाकल, और हमारे यहाँ बोलते हैं इसको नल या हेडपम्प बोलते हैं। और काफ़ी मीठा पानी है यहाँ का, और टेस्ट करके बताता हूँ एक बार। बहुत ठंडा पानी है, रियल में बहुत ठंडा पानी है, क्योंकि पास में एक नदी सी है, नहर टाइप की है, नदी नहीं है सॉरी, तो बहुत ठंडा पानी है। दोस्तों इस भैया ने हमारी वीडियो बनाई थी इतनी देर, ये हमारा कैमरा मैन है, कैमरा मैन रहा इतनी देर। और ये देखिए जामुन बीन करके लाया, बाप रे कितनी मोटी मोटी जामुन, मतलब ये लग रहा होगा यहीं पर पेड़ है या खुद की है जामुन, और किसी के तो दे दे, वो तो बेचारा अपने लिए लाया है, तू ले रही है, कोई बात नहीं है। अरे थैंक यू यार, पानी चला दे, पानी इस भैया ने देखी हमको, इस बेटे ने खाने के लिए दिए, फिर बाद में मैं भैया बोल देता हूँ तो कोई बोलता बहन बोलते हो, भैया बोलते हो, अब छोटा है भाई यही अपना, ले खा लेती हूँ, हाँ खाली इसके और भी लेके आया जिम में, पर इसने हमको दे दी, चलो ठीक है, थैंक यू बेटा। नल चलाऊँ तेरे लिए, नाम क्या है, नाम बता दो, सुनील, सुनील गांव यही है तुम्हारा, बेरनी, अरे हाँ सुनील हाथ पर लिख रहा है। मानिकपुर एक जगह पड़ती है, हम जब जलेसर से चले तो एक मानिकपुर एक छोटा सा एक कस्बा है, यहाँ पर दोस्तों एक रेलवे स्टेशन भी है, वो भी बहुत छोटा सा है रेलवे स्टेशन। और मैं ये बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको, कहने का मतलब ये, आपने रेलवे स्टेशन बहुत देखे होंगे, परंतु ये जो लाइन है ना यहाँ से गई है ना, रेलवे लाइन जो गई है वो हिंदुस्तान की नंबर वन रेलवे लाइन है, जो आसाम गुवाहाटी की साइड में जाती है। और दोस्तों 19 घंटे के अंदर यहाँ से तकरीबन 54 ट्रेनें क्रॉस होती हैं, यानी 54 ट्रेनें समथिंग जो मेरा आंकड़ा है, पहले मुझे पता था, अब शायद और ज़्यादा भी होंगी, जो ये रूट दोस्तों दिल्ली से गुवाहाटी आसाम वगैरह को कवर करता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको सामने, थोड़ी देर में फिर आने वाली होगी, देखो हॉर्न आ गया ना, ये देखिए दोस्तों अभी निकल करके गई और फिर आ गई एक ट्रेन, देखो इधर से आ रही है,
यही ना, मालगाड़ी या कोई सी भी कैसी भी ट्रेन हो, मालगाड़ी भी जाती है, वैसी भी जाती है, राजधानी जाती है, सभी प्रकार की गाड़ियां जाती हैं यहाँ से, हर प्रकार की गाड़ी जाती है। अभी थोड़ी देर पहले एक और मालगाड़ी गई थी, अब फिर गई, वो सामने देख रहे हैं उस पर लिखा हुआ जलेसर रोड, वैसे सिटी का नाम है, छोटा सा टाउन है, इसका नाम है मानिकपुर, परंतु रेलवे स्टेशन का नाम है जलेसर रोड। दोस्तों यहाँ एक जगह है सादाबाद, जलेसर से निकलने के बाद में मानिकपुर, मानिकपुर से आगे एक रोड आती है, ये आगरा के लिए गई है और इधर से आ रही है अलीगढ़ से, और इधर गई है ये आगरा की तरफ, फिरोजाबाद की तरफ। तो यहाँ पर हम रुके हुए, नीतू गई है आइसक्रीम लेने अमूल वाले की, खाली हाथ लौट आई, पता नहीं क्या बात है, क्या हुआ हा? तो तू तो वो ले रही ना चॉकलेट वाली। देखिए दोस्तों शाम का समय है और बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, देखिए आर्मी की भर्ती के लिए दौड़ रहे हैं रोड पर। वहाँ पर बारिश नहीं थी, हमारे यहाँ पर बारिश है, थोड़ी देर पहले पड़ी है, आपको रोड से पता चल रहा होगा कि कितना गीली हो रही है, और हरियाली भी ज़्यादा है ना हमारे यहाँ, ठंडा मौसम भी है। परेशान करती हूँ बैठे बैठे में, तो बच्चे देख रहे हैं, साड़ी बच्चों को दिखा दी है, तो आप कौन कौन सी लेके आए हैं हम, और आप भी देख ये कलर मुझे पसंद है। मुझे बुआ जी की जिद बुआ जी की पसंद को यहाँ अच्छी है, ब्लैक कलर की नाइट पापा की टी शर्ट है, दो बरते तो सही है ना पैंट, इतनी कीमत में दो बरो 1500। आज से ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने, और ये था हमारा ब्लॉग आज का, तो कुछ सामान आपको वापस करना था, कुछ लेके आना था, तो ये सादा सिंपल सा वीडियो था, आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।